हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है दोस्तों इस लेक्चर देते देते मुझे जुखाम आज हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज काफी चर्चा में है, इसरो टू लैंड हेलीकॉप्टर ऑन द मार्स ड्यूरिंग द मंगलयान 2 मिशन। मंगलयान के बारे में आपने सुना होगा, भारत ने 2013 में इसको लॉन्च किया था और अब भारत फिर से मंगल ग्रह पे क्या करने जा रहा है, अपना मिशन शुरू करने जा रहा है जो कि इस साल तक हो ही जाएगा। और इसीलिए जो वैज्ञानिक है, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो इस बार क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे, ठीक है, बल्कि रोवर भी भेजेंगे और उसमें एक चीज और भेजेंगे जो क्या होगा, हेलीकॉप्टर होगा जिसको यूएवी बोला जाता है, अनमैन्ड, ठीक है, व्हीकल, ठीक है। तो यहां पर वो भी भेजा जाएगा और इसके साथ साथ क्या होगा, इसमें काफी सारे पेलोड्स लगेंगे तो जाके मंगल ग्रह पे क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। अब आप सोचेंगे ये कैसे भेजा जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये क्या करेगा, वहां गया और वहीं से उतरने लगा अंतरिक्ष से, क्योंकि आपको पता है जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो अंतरिक्ष में नहीं उड़ सकते हैं, उनको उड़ने के लिए चाहिए हवा, उनको उड़ने के लिए चाहिए इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे धरती पे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो इसी वजह से उड़ पाते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, और उन्हीं एटमॉस्फेयर की वजह से ये उड़ पाते हैं। जैसे पक्षी जो है उड़ पाता है क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से वो उड़ पाते हैं। वैसे ही ये जो हेलीकॉप्टर है जब मार्स पे उतरेगा तो वहां पे वो उनके इन्वायरमेंट का यूज करेगा और उसके द्वारा वो काम करेगा। मैं आपको ये समझा देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहां से हमने भेजा, मंगल ग्रह पे गया और मंगल ग्रह पे अंतरिक्ष से उतरेगा। वहां पे सबसे पहले उतरेगा ऑर्बिटर रोवर, जैसा कि रोवर उन्होंने अभी चांद पे उतारा था, वैसा ही रोवर जैसे कि नासा ने मंगल ग्रह पे उतारा था, अपना रोबोट उतारा था, और वैसा ही कुछ शायद, देखिए अभी इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है, एक हम ऐसे कह सकते हैं टीजर अभी आया है, हल्का सा अनाउंसमेंट हुआ है, खुल के डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जहां तक अंदाजा यह है कि जब यह उतारा जाएगा तो ऐसे नहीं उतरेगा, सबसे पहले वहां पर उतारा जाएगा रोवर और उसी रोवर के अंदर से ये जो हेलीकॉप्टर है निकलेगा और ये क्या करेगा, काम करेगा। जैसे चांद पे आपने देखा होगा कि रोवर उतारा गया, फिर उसके नीचे से अंदर से क्या निकला, मशीनरीज निकली और वो मशीनरी चलते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, वैसे यहां पे क्या होगा कि वो रोवर उतारा जाएगा और फिर ये हेलीकॉप्टर निकलेगा और वहां पर काम करेगा। लेकिन सवाल यह है कि हेलीकॉप्टर ही क्यों, ऐसा क्यों, अरे यार तुम कार निकाल देते जैसे अभी पिछली बार निकाल चांद पर निकाला गया था, वैसे कुछ इक्विपमेंट निकालते, कुछ और रोबोटिक्स निकाल देते, लेकिन इसको ही क्यों। इसको दोस्तों इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह पे जो जमीन है काफी उबड़ खाबड़ है, वहां पे काफी सारे तूफान आते हैं, काफी प्रॉब्लम है वहां पे। एक चीज और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां की धूल मिट्टी, वहां पे हमेशा तूफान आता रहता है, बहुत तूफान आता है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, उन तूफान की वजह से जो व्हीकल होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से क्या फायदा होगा, हेलीकॉप्टर से फायदा ये होगा कि हमें किसी ऊंची जगह पे जाना है, कहीं भी जाके चेक करना है, वहां पे जो पानी है उसको चेक करना है, तो वहां पे ये हेलीकॉप्टर वहां से उड़ पाएगा और कहीं भी जा पाएगा और अपना काम कर पाएगा, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है, और इसीलिए ये जो इसरो है इसको कर रहा है। तो आप सोचेंगे क्या ये पहली बार है, तो मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था ये पहली बार नहीं है। इससे पहले नासा 2020 में भी क्या किया है, ऐसे ही हेलीकॉप्टर यहां पे उतार चुका है, ये आप देखेंगे, ठीक है, तो ये है यहां पे, इसको आप देख सकते हैं, ये दिखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन ये जूम करके इमेजेस, मतलब एक एनिमेशन इमेज है, लेकिन इसका जो मास है वो कितना है, 1.8 केजी के आसपास है, यानी कि बहुत हल्का है, हल्का है तभी ये काम कर पाएगा, बहुत ज्यादा एडवांस है आप देखेंगे। और ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर लगा होता है सोलर, सोलर पैनल से क्या होता है, सोलर पैनल से ये चार्ज होगा और चार्ज होके उन्हीं पावर से क्या करेगा, उड़ेगा और हमेशा ये काम करता रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये काफी बेहतर है, काफी बेहतर खोज के लिए है। अब जो इसरो लॉन्च कर रहा है, मैं जैसा कि मैंने बताया उसमें कई सारे पेलोड होंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड जो है वो है मल्टीपल इमेजर है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे पेलोड है जो कि मिट्टी के बारे में जांच करेगा, मिट्टी को सैंपल भी हो सकता है लाया जाए, ऐसा भी कुछ इनका प्लान हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो मल्टीपल इमेजर है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ये काम करेगा और इसीलिए ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, तो ये से पूरा ये काम करेगा। अब जो नासा ने दोस्तों जो लॉन्च किया था उसके बारे में बता देता हूं मैं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है इंगेविटी, ठीक है, इसका निकनेम गिनी था, ठीक है, ये 2020 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2024 तक क्या था इसका पूरा काम था, यहां पे इसको आप देख भी सकते हैं, ऊपर सोलर पैनल लगा है, नीचे ये यहां पे काम कर रहा है, तो ये नासा ने पहली बार मतलब किया है, ऐसा नहीं नहीं हुआ है, और अब वही क्या करने जा रहा है जो हमारा इसरो है वो भी ये करने जा रहा है, इसीलिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि नासा के बाद हमारे ही यहां पर नंबर आएगा।
अब दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं, 2013 में जो हमारा मार्स मिशन लॉन्च किया गया था, तो मार्स मिशन में भी ये था जिसको मॉम कहा जाता है, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, यानी कि हमने सिर्फ ऑर्बिट में क्या किया था, मिशन को लॉन्च किया था। ये दूसरी बार होगा कि जब हम ऑर्बिट में लॉन्च न करके जमीन पे अपने व्हीकल को उतारेंगे, अपने ऑर्बिटर को उतारेंगे, ठीक है, हाँ मतलब अपने ऑर्बिट, सॉरी फॉर द ऑर्बिटर, ठीक है, तो हमारे जो ये होंगे, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, उसके जमीन पे भी वहां पे हम उतारेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खास होने वाला है। 2013 में जो मिशन था दोस्तों, आपको पता ही है, बहुत ऐतिहासिक मिशन था, बहुत बड़ा मिशन था, क्योंकि वो ऐसा मिशन था जिसमें इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये कारनामा कर दिखाया था। अगर हम नासा की बात करें तो नासा ने वही अपने जो उनके पेलोड्स थे उनको उतारने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे जिसमें कई बार वो फेल हुए थे, ठीक है, तब जाके वो इसमें सफल हुए थे। लेकिन वहीं पे जो इसरो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काम किया था, और बहुत कम खर्चे में, आप समझ सकते हैं नासा से कई गुना कम खर्चे में इन्होंने ये काम किया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज नासा के सामने, इसरो के सामने फिर से, सॉरी मैं नासा नासा कर रहा था, इसरो के सामने ये फिर से बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस मिशन को पूरा करना, जो कि अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। इसरो हमेशा दो चीजों की वजह से जाना जाता है, पहला है एफिशिएंसी, दूसरा है कम पैसे, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब ये कि आपने देखा होगा कि हम एक दो मिशन में ही चीजें कर लेते हैं, जैसे मैंने चांद के लिए जो मिशन चलाया था उसमें हमने 50-60% काम पहली बार में ही कर लिया था, बस हमारा रोवर नहीं उतरा था, दूसरी बार में हमने वो कर ही लिया, तो हम बहुत कम चांस में हम सफल होते हैं, यही हमारी सबसे खास बात है। और ये 2024 में इसको फिर से किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर करें, जरूर अवेल करें। 2-3 साल से आप तैयारी करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कुछ घंटे काम करते हैं, कुछ वक्त काम करते हैं, एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं। रिसर्चर ने 100 साल तक जब रिसर्च किया तब जाके उन्हें पता चला कि जो इंसान बहुत अच्छा काम कर पाता है उसका दिमाग फ्लो की स्टेट में होता है, फ्लो की अवस्था में होता है। और रिसर्चर ने यह देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम किसी आम इंसान के अंदर भी पैदा कर सकते हैं, सिर्फ कुछ थेरेपी, मेडिटेशन, सिल्वा मेथड, अल्ट्रा मेथड के द्वारा उनके अंदर यह पैदा किया जा सकता है। और इन्हीं सारी थेरेपीज को, लगभग 12 घंटे का लेक्चर है जिसे महज हम लाए हैं 299 में, फ्लो 25 कोड आप जब यूज करेंगे। एक चीज दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी कोर्स के लिए लोग बाहर जाते हैं, सिल्वा मेथड जो मेडिटेशन टेक्निक है जिससे आपकी एफिशिएंसी 500% बढ़ जाती है, इसके लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब जाके उन्हें ये मिलता है। यहां तक कि माइंड वैली की वेबसाइट पे भी आप जाएंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ वेल वेबसाइट है, वहां भी आपको 35-40 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे इन्हीं के लिए। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने हिंदी में लाया है और काफी सस्ता लाया ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अवेल कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।